नमस्कार, स्वागत है आपका सिलसिला बाजारों में। सिलसिला बाजारों में बात करते हैं अब एग्री कॉमोडिटीज पर, और इसकी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी एक्सपर्ट रूपा मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रूपा जी, अगर बात करें कैस्ट्रो सीड की, तो कैस्ट्रो सीड 7,368 पर ये कारोबार ट्रेड करता दिखा है, इसमें हल्की तेजी देखने को मिली है, तो आपको क्या लगता है कि कैस्ट्रो सीड का बाजार आगे कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी हल्की तेजी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन आप देखिए काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि इसको उसी स्तरों पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से बिकवाली की तरफ ही रहना चाहिए, बाउंस बैक आए तो वहां पर सेलिंग की तरफ रहे। ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक में विराट प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और कैप्चर में भी रेंज ब्रेक नहीं हो रहा है, तो अभी रेंज में रह सकता है 7,200 से 7,350 के बीच में, और ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की तरफ रहा जा सकता है। अगर कॉटन सीड ऑयल के की बात करें तो यह 2,588 पर कारोबार करता दिखा है, और इसमें भी हल्की तेजी देखने को मिली है, तो कॉटन सीड ऑयल के का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, क्या आगे इसमें और तेजी बनती दिखेगी? देखिए, नहीं, कॉटन ऑयल की केस में भी मेरा रुझान जो है वो नेगेटिव है। मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर आप बेचकर चले, और इनफैक्ट आने वाले टाइम की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि ये मार्केट जो है वो 2000 के आसपास सस्टेन हो सकता है, काफी नीचे का टारगेट है। फिर अभी मार्केट जो है थोड़ा बाउंस बैक देगा ऊपर में, तो 2500-2600 की रेंज, 2700 मैक्सिमम अपसाइड है, और वहीं नीचे की बात करें तो 2400 से लेकर 2200 तक का स्तर जो है आपको कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए 2400 के लेवल्स के लिए इसमें 2700 के आसपास बिकवाली की जा सकती है। ऑलरेडी आज मार्केट करेक्शन में है, ऊपरी स्तरों से लुढ़का हुआ है, 2600 के नीचे है, तो मेरे हिसाब से इसमें अगस्त वायदा अगर हम देख के चले तो अगस्त वायदा जो है 2500-2450 तक नीचे लुढ़क सकता है। रूपा जी, अगर ग्वार गम ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार गम 9,635 पे कारोबार करता दिखा है, वहीं ग्वार सीड 5,113 पर ट्रेड करता दिखा है, तो आपको क्या लगता है कि ग्वार गम और ग्वार सीड का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों ही कॉमोडिटीज ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली की तरफ, जैसे ही हमने क्रूड में करेक्शन आते हुए देखी तो ऊपरी स्तरों से ग्वार की मार्केट भी लुढ़कती हुई दिखाई दी है, और अभी आप देखिए जैसे क्रूड में करेक्शन है उसका इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब क्रूड तेजी में था तो ग्वार सस्टेन कर रहा था ऊपर, हम गम जो है वो 12,000 के ऊपर, 11,000-11,500 के ऊपर देख रहे थे, वहीं सीड की बात करें तो ये भी 6,000 के करीब कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब मंडियों के अंदर इसके अंदर गिरावट आने लगी है। काफी टाइम से जो सप्लाई थी जो होल्ड किया हुआ था लोगों ने, अब वो मार्केट में मांग निकल रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर, सप्लाई का प्रेशर बढ़ने की वजह से ग्वार की कीमतों में और गम की कीमतों में जो है वो प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भी ग्वार प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जो भी स्टेट्स हैं, उनके अंदर अभी सप्लाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कीमतों पर दबाव बना है, और अब ये दबाव यहाँ से एक बार कॉम्बिनेशन में रह सकता है। बहुत ज्यादा तो नहीं, ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है, लेकिन नीचे में मान के चलिए 9,000 तक गम एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कि 9,200 से 9,000 अगस्त वायदा, वहीं सीड जो है वो 4,800 तक नीचे सस्टेन कर सकता है। तो फिलहाल के लिए इस गिरावट के दौरान जो है, इतनी गिरावट के बाद जो है इसमें वापस से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक रिकवरी बन सकती है, तो फिलहाल के लिए बिकवाली की तरफ है मार्केट, और निचले स्तरों पर अगेन बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, अगर एग्री कॉमोडिटीज में से हमारी एक बहुत ही खास कॉमोडिटी जो मसाला हमेशा से रही है, तो मसाले की बात करें तो मसाले के बाजार में भी तेजी देखने को मिली है, तो आपको क्या लगता है कि मसाले के बाजार में ये तेजी जो है ये आगे कायम रहेगी या आगे कुछ एक बदलाव देखने को मिल सकता है मसाले में? देखिए, मसालों में भी तेजी का रुझान है और आगे तेजी कंटिन्यूशन में बनी रह सकती है, हम लगातार इसमें बाइंग आते हुए देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये तेजी अब लगातार बनी रह सकती है और इसके अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। और मसालों की अगर बात करें तो धनिया जो है वो अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ से 13,000-13,500 के आसपास जा सकता है। जीरा भी लगातार तेजी में ही है और हम इसमें सस्टेनेबिलिटी भी आते हुए देख रहे हैं, हल्की फुल्की करेक्शन जरूर आती है मार्केट के अंदर, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग की। अभी भी यहाँ से जीरा जो है 21,800-21,600 तक नीचे लुढ़क सकता है, और ऊपर में 22,500-22,500 रुपए तक की रेंज बनी रह सकती है। हल्दी भी अगर 7,800-7,600 के पास आती है तो वो लेवल काफी अट्रैक्टिव हो सकते हैं बाइंग के लिए, वहां पर खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है थोड़ा लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। तो अभी मार्केट पॉजिटिव लग रहा है मुझे मसालों का, आगे फेस्टिवल सीजन की डिमांड भी निकल सकती है, और इनके अंदर अभी फिलहाल बाइंग की रणनीति देखनी चाहिए, जिस दिन करेक्शन आए उस दिन आप इसमें खरीदारी के लिए लॉन्ग टर्म पोजिशन बनाकर चल सकते हैं। रूपा जी, अगर खाद्य तेलों की बात करें तो सरकार ने खाने के तेल की कीमत को लेकर एक अहम बैठक की थी, जिसमें तेल कंपनियों के
व्यापारी भी उसमें जुड़े थे उस मीटिंग में, और ऐसा अनुमान भी लगाया गया कि 20 रुपए तक की कमी आ सकती है खाद्य तेलों में, तो आपका इस पे क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल, अभी जो एमआरपी में चेंज करने के लिए सरकार ने कहा है तेल कंपनियों को, और इसकी एक बैठक भी हुई है, और उसमें ये कहा गया है कि तेल कीमतें जो है वो रिवाइज किए जाएं एमआरपी, और एक्सपेक्टेड है कि 20 रुपए की जो गिरावट है वो देखने को मिल सकती है, प्राइसेस में कमी आ सकती है, क्योंकि डिमांड जो है यहाँ पर अहम रोल प्ले करता दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर अभी कीमतों में विदेशी बाजारों में जो गिरावट आई है उसका असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला है, और मार्केट लुढ़क गए हैं। अब हम देख रहे हैं कि मंडियों में भी प्राइसेस जो है वो नीचे आ चुके हैं, तो प्रेशर बना रह सकता है आगे चलकर, अभी और गिरावट बढ़ सकती है। एडिबल ऑयल पैक के अंदर बिकवाली करके चलना चाहिए, चाहे वो सरसों हो, सोयाबीन हो, पाम हो, सब में प्रेशर जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आगे चलकर एक्सपेक्टेड है कि मंदी गहरा। जी रूपा जी, अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन का भी बता दें कि इसमें भी अनुमान लगाया जा रहा है कि गिरावट बन सकती है, लगभग 750 रुपए तक की गिरावट आ सकती है सोयाबीन में, तो आपको क्या लगता है कि सोयाबीन में जो ये गिरावट है कितनी देखने को मिल सकती है? क्या ये 5000 तक का लेवल छू लेगी, क्योंकि अभी सोयाबीन 6300 के आसपास दिख रहा है इसका भाव, आपको क्या लगता है सोयाबीन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल, जो अभी खबरें निकल कर आ रही है कि इसके भाव में कमी आ सकती है, और 5000 तक का भाव एक्सपेक्टेड है, नीचे में 5500-5800 का स्तर अभी एक्सपेक्टेड है। अभी जो हम देख रहे हैं मार्केट जो है वो 6000 के ऊपर है, लेकिन जल्द ही हम इसको 5800-6000 के आसपास देखेंगे, और आगे चलकर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 5500 से लेकर 5000 तक देखने को मिल सकता है। रूपा जी, जहाँ एक तरफ सरकार तेल की जो कीमतें हैं उसमें और कमी की जो कोशिश कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो इसका इम्पैक्ट है वो सोयाबीन की कीमतों पे भी पड़ेगा? देखिए बिल्कुल, सोयाबीन की कीमतों के ऊपर भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, और ग्लोबल मार्केट में भी खाद्य तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। विदेशी बाजारों की बात करें तो पिछले एक वीक में हमने देखा है कि सीपीओ में जबरदस्त 30% के आसपास की गिरावट आई है, और भाव जो है एक साल के निचले स्तरों पर पहुंच चुका है। आगे जो है प्रेशर बना रह सकता है, जिससे विदेशी बाजार लुढ़क रहे हैं, सबसे बड़ा कारण यही है, और दूसरा क्रूड सोयाबीन ऑयल और सूरजमुखी ऑयल पर आयात शुल्क को खत्म कर दिया करने के चलते भी जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया से सीपीओ और पामोलिन की ज्यादा सप्लाई की उम्मीद की जा रही है, और वहां दूसरी तरफ मिलर और स्टॉकिस की तरफ से सोयाबीन और सरसों की मांग कम हुई है, और सूरजमुखी ऑयल के इंपोर्ट बढ़ते हुए हमने देखे हैं, तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से आगे चल के सोयाबीन की कीमतों में गिरावट बनने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, पाम ऑयल का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है आगे? देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि अभी पाम ऑयल की सप्लाई जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, और आगे चलकर प्राइसेस जो है वो डाउन साइड में जा सकते हैं। ओवरऑल सभी एडिबल ऑयल पैक में प्रेशर ऊपरी स्तर होता है और कीमतें लगती हुई दिखाई दे सकती हैं। जी रूपा जी, अगर कपास की बात करें तो कपास का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जहाँ एक तरफ गिरावट भी देखने को मिली थी, तो आपको क्या लगता है कि कपास का बाजार कैसा देखने को मिलेगा? देखिए कपास में भी मैंने लगातार यही बताया है कि बिकवाली करें, और कपास में भी प्रेशर जो है वो बना रह सकता है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है कल के कंपैरिजन में थोड़ा सा संभला है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में 30000 के आसपास कपास वायदा में जाती हुई दिखाई दे सकती है। कपास के अंदर अब फिलहाल तेजी की उम्मीद काफी कम है, तो मेरे हिसाब से सस्टेन कर सकता है मार्केट लेवल के आसपास, और ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का प्रेशर बना रहेगा, तो बिकवाली में रहना चाहिए। रूपा जी, अगर चने की बात करें तो चने का भी जो भाव है वो एमएसपी से नीचे चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये एमएसपी से ऊपर जाएगा या फिर ये इसी तरीके से जारी रहेगा? देखिए दालों में अभी तेजी का रुझान नहीं है, और प्रेशर जो है लगातार बना हुआ है, और हम देख रहे हैं कि लगातार भाव में भी दबाव देखने को मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इसमें फिलहाल तेजी आती हुई दिखाई देगी, और प्रेशर जो है वो लगातार बना रह सकता है, छुट मुट खरीदारी बन सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। रूपा जी, अगर चीनी की बात करें तो चीनी का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है आगे, क्या कुछ उसमें करके चला जा सकता है? देखिए अगर चीनी की बात करें तो शुगर के अंदर भी अभी ऊपरी स्तरों पर प्राइसेस जो है वो थोड़े से लुढ़कते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन अभी मार्केट जो है वापिस से सस्टेन कर रहा है और एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुगर की भी देखिए कीमतें बहुत ज्यादा उठाव नहीं आएगा, क्योंकि जो असेंशियल कमोडिटीज हैं जैसे कि गेहूं,
चीनी दाल इनकी कीमतें कंट्रोल में रहेंगी, कोई बहुत ज्यादा इसको उठाव की उम्मीद ना करें। और अभी मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया था शुगर का, और अभी कुछ एक जो है नियमों के साथ कुछ एक एक्सपोर्ट को जो है हरी झंडी दी गई है, लेकिन इसका इंपैक्ट जो है प्राइजेस के ऊपर कोई बहुत ज्यादा आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्राइजेस सीमित है और सस्टेन कर रहे हैं, और अभी कोई बहुत ज्यादा तेजी या मंदी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, दलहन और तिलहन में तो गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन चावल का जो बाजार है वो स्थिर बना हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि चावल में अभी ये स्थिरता कायम रहेगी या आगे चावल में भी आगे तेजी बन सकती है? देखिए चावल में भी आगे तेजी की उम्मीद की जा सकती है, अगर एक्सपोर्ट होता है तभी तेजी का आप उम्मीद कर सकते हैं। एक्सपोर्ट निकल कर आते हैं और एक्सपोर्ट किया जाता है तो एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। लेकिन अभी जो है पीछे हमने देखा था नेक्स्ट पिछले वीक अरब से कहीं से जो है वो बासमती चावल की मांग जो है वो निकलती हुई दिखाई देती, और जिसकी वजह से घरेलू बाजारों में उम्मीद की जा रही थी कि आगे चलकर तेजी बन सकती है। उधर हम देखें अगर बासमती और स्टीम मार्केट को देखें, स्टीम सेला, तो इसकी खरीदारी जो है वो देखने को मिली थी सऊदी अरब की तरफ से, और उधर पाकिस्तान में भी बासमती का स्टॉक काफी कमजोर बताया जा रहा है, और सऊदी में भी जो है वो डिमांड निकली है। तो अगर एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो डेफिनेटली कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, अदरवाइज प्राइसेस जो है वो इसकी रेंज में घुसते हुए दिखाई देंगे। एक्सपोर्ट पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, निर्यात मांग निकलते ही बाजार में तेजी बन सकती है। जी रूपा जी, हमारे एक दर्शक हैं रितेश, उनका सवाल धनिये पे है कि अगले दो महीने में धनिये के भाव क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या कुछ धनिये में आगे बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए धनिये में मैंने बताया जैसे कि जो टारगेट है हम 14,000 से 15,000 तक का मान के चलिए कि आ सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अभी जिसे पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है 11,000 से 12,000 के बीच में ही रुका हुआ था, अब अगर अगस्त सितंबर ऑनवर्ड बात करें तो मुझे लगता है कि 15,000 तक के लेवल एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकते हैं। फेस्टिवल सीजन की डिमांड निकलते ही मार्केट में तेजी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। रूपा जी, हमारे एक दर्शक हैं स्वराज जी, उनका क्वेश्चन है ग्वार सीड में आगे क्या कुछ करके चले, वो जानना चाहते हैं कि वो ग्वार सीड में आगे उनको क्या ऐसा करना चाहिए जो उन्हें आगे फायदा हो। देखिए अभी ग्वार में थोड़ा सा वेट करें, नीचे आ रहा है मार्केट और उसको थोड़ा सस्टेन होने दें, उसके बाद आप इसमें बाई करके सकते। जी रूपा जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि एग्री कॉमोडिटी में ओवरऑल क्या कुछ करके चला जा सकता है इंट्राडे में? देखिए एग्री कमोडिटीज में अगर इंट्राडे की बात करें तो आज इंट्राडे के अंदर एज यूजुअल बिनोला खल के अंदर आप बिकवाली करके चल सकते हैं, और धनिये में आप खरीदारी की तरफ पोजीशन बना सकते हैं, धनिया और जीरा हल्दी, आप ये तीन कमोडिटीज अगर फायदा में बाय कीजिए। हमेशा मैंने यही कॉल दिया और आज भी मेरा यही कॉल रहेगा कि आप गिरावट में इन कमोडिटीज के अंदर बाय करें और बिनोला खल और कैक्टस में आप बिकवाली करके। रूपा जी, हमारे एक दर्शक है कलराम, उनका एक सवाल है कि चने में तेजी कब तक आएगी? रूपा जी, हमारे एक दर्शक हैं कलराम, उनका सवाल है कि चने में तेजी कब तक देखने को मिल सकती है? देखिए फिलहाल चने में तेजी की उम्मीद कम है और अभी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई देगी। दालों में फिलहाल जो है वो प्रेशर कंटिन्यूशन में रह सकता है। जी, हमारे एक दर्शक हैं हंसराज, वो जानना चाहते हैं कि खल का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए खल में मेरे हिसाब से गिरावट बनी रह सकती है। जी ठीक है रूपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी बात सिलसिला बाजारों में नॉन एग्री और एग्री कॉमोडिटीज़ की, कि किस कॉमोडिटीज़ में आप क्या कुछ करके चल सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट ने अपनी राय साझा की और बता दें कि नॉन एग्री कॉमोडिटीज़ में आप क्रूड में, सोने चांदी में कारोबार करके चल सकते हैं, वहीं अगर एग्री कॉमोडिटीज़ की बात करें तो इसमें आप मसाले में आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो अभी सिलसिला बाजारों के में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।